नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं सुनीता अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, त्रिपुरा में। तो वो तो यहाँ पे पहले ही से थे, मैं थोड़ा घूमने गई थी। तो यहाँ का मैं आपको विवरण बता देती हूँ। ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के पश्चिम में उदयपुर नाम का एक शहर है, वहाँ पे त्रिपुरेश्वरी मैया विराजमान है। तो आज हम चल रहे हैं दोस्तों त्रिपुरा से उदयपुर की ओर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मैया के धाम में दोस्तों। तो वहाँ पे आपने देखा, ये देखिए कैसे कितने बढ़िया, जो हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं कमल वगैरह खिले हुए थे, बनाए हुए थे। और ये देखिए, ये यहाँ पे दुकानें हैं। और जैसे हमारे यहाँ यूपी में मेला लगता है, उसी टाइप का यहाँ भी मेला लगता है। ये देखिए, सारी चीज़ें मौजूद हैं, खेल खिलौने मौजूद हैं, और गले में जो पहनने वाली माला है, लॉकेट है, धागे हैं, सारे कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। पर भैया मिलते तो हैं, पर बहुत महंगे मिलते हैं। यानी कि 3 गुनी रेट में 4 गुनी रेट में आपको यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो विचार करिएगा, ऐसी चीज़ें लीजिएगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ली है, ये देखिए, मैया को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए जो टोकरी। तो यहाँ पे जो टोकरी है फूल मालाओं से सुसज्जित है। और यहाँ जो माला, जो टोकरी है मैया की पूजा करने की, वो 1100 रुपए से शुरू होती है। और हमारे यहाँ यूपी में क्या है कि 100-200 तक मिल जाती है। तो यहाँ पर जो पूजा करने की पद्धति है, कुछ अलग टाइप से होती है, कुछ मंत्रों द्वारा होती है। आप जब भी यहाँ पे पूजा करने आएंगे तो अपने आप से पूजा भी करेंगे, और वो जो वहाँ के हिसाब से वो लोग करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग विधान है यहाँ पे त्रिपुरा में, और हमारे यहाँ अपने आप से ही कर लेते हैं। तो यहाँ जो भी है, नियम से ही, कायदे से ही मैया की पूजा होती है। तो बताते हैं दोस्तों, ये मैया जो है बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे जो सती मैया थी, तो उनकी जो अंगुली गिरी थी, तो उससे यहाँ पे जो ये जो सिद्ध पीठ बना हुआ है। और ये जो बताते हैं मंदिर है, ये अकस्मात ही ज़मीन से निकला था, इसको किसी ने नहीं बनाया था तो शुरू में। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और उसके बाद में इसको राजाओं द्वारा, ये इसका जो जीर्णोद्वार बोलते हैं, थोड़ा सा मरम्मत टाइप में और थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग करवा के मैया का, ये देखिए मैया के दर्शन करवा रही हूँ साथ ही साथ में। और वैसे मैया के फ़ोटो लेना बिल्कुल ही वर्जित है, पर मैंने और फ़ोन भी रखना मना है ऐसे करके, इसलिए मैं अपने आप को नहीं दिखा पा रही हूँ दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ही मना है फ़ोटो शूट करना, मैया के फ़ोटो लेना। तो फ़ोन मैंने और ऐसे करके ले रखा है जैसे मैं क्लिप नहीं बना रही हूँ। तो देखिए, काफ़ी भीड़ है, और ये मठ है मैया का, ये मंदिर है, काफ़ी सुंदर है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है वो गुम्बद है। और ये जो नक्काशी है, ये उसके बाद में करी है, और नहीं थोड़ी थोड़ी सी, और नहीं तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है, बहुत ही अच्छा है। और जानते हैं आप दोस्तों, एक बात और है कि ये जो मैया है, ये 10 महाविद्याओं में से एक है। तो जैसे हमारे यहाँ एक मध्य प्रदेश में मैया है, वो पीताम्बरा देवी, तो धूमावती मैया के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ऐसे ही करके ये 10 महाविद्याओं में से एक हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन है, और मंदिर भी बड़ा ही सुंदर है। तो दोस्तों, हर किसी के लिए संभव नहीं है, जब मैया बुलाती है, भगवान बुलाते हैं, तभी हम आप भगवान के दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो प्लान बनाते बनाते रह जाते, पर हो नहीं पाता। तो दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय माता।